हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन, एक नई जर्नी। तो आज हम जा रहे हैं डीग शहर, जो कि नगर और भरतपुर के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं के पैलेस हैं, जैसे कि जल महल वगैरह। तो आज आप लोगों के लिए हम डीग की सैर कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे जुड़ सकें। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और इस नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जल महलों की नगरी डीग में, और यहाँ पर एक महल है डीग महल के नाम से, डीग पैलेस के नाम से, जो कि अब फिलहाल खंडहर हो चुका है। और ये 1730 ईस्वी में राजा बदम सिंह ने बनवाया था। और देखते हैं, इसमें तोबे हैं बहुत बड़ी बड़ी, और यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको। चलो चलते हैं। ये इसका फ्रंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं बैक कैमरा चालू करके आपको दिखाऊँगा। गाइज, ये इसका फ्रंट है, और पहले ज़माने में हाथियों से अटैक करते थे, तो दरवाजे में हाथी से बचने के लिए यहाँ पर देख कैसे वो लगा रखे हैं इन लोगों ने, ये सुहासे लगा रखे हैं देख लोहे के। अगर इसमें हाथी अटक करेगा तो हाथी की लगेगी। तो देख, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप, कितना ज़बरदस्त है। हाथी से बचने के लिए इसको यूज़ करते थे पहले ज़माने में, ताकि इस पर अटैक ना हो, अंदर ना घुसे कोई दुश्मन। तो उस हिसाब से इसको बनाया है। और ये महल है डीग महल, और यहाँ पर इसके जो पानी है चारों तरफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी मरम्मत चल रही है। गाइज, इस महल में एक तोप है, लाखा तोप के नाम से, जिसका उपयोग जिंदगी में एक बार किया था, और वो तोप आपको दिखाएंगे। भाई क्या ज़बरदस्त है, इतनी बड़ी तोप है। और ये जब अलाउद्दीन खिलजी के दौर पर इसको यूज़ किया था, और इसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। और आपको दिखाएंगे इस तोप के बारे में, ये लाखा तोप के नाम से है। तो आप इस पूरे व्लॉग में बने रहिए, और आपको बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है ये व्लॉग। तो गाइस चलो चलते हैं लाखा तोप देखने, और उसके सामने एक जल महल है इस डीग में ही, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहना, वो पहले दिखाते हैं आपको लाखा तोप। चलो चलते हैं। गाइस देखिए, तोप यहाँ पर रखी हुई है ऊपर, और अभी ऊपर चढ़ते हैं हम, फिर दिखाएंगे आपको। ये है वो लाखा तोप, देखिए आप, कितना जबरदस्त है यार, कितना हैवी है ये लाखा तोप है, ठीक है। और ये इस किले के चारों तरफ ये लाखा तोप लगी हुई है, बिल्कुल हर एक कोने पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे, यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, और ऐसे चारों तरफ लगी हुई है महल के। और एक्चुअली ये बहुत ही एक अहम वो था, जो दुश्मन आते थे वो सामने से वार करते थे, और बहुत ही ऊंचे पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शहर है, देखिए आप, देखिए। और इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। और ये सामने जो देख सकते हो आप, ये जल महल है डीग का, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। गाइज, आपसे मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आइए, अगर आप आओ तो। नगर से ये सिर्फ 27 किलोमीटर है, भरतपुर से ओनली 35 किलोमीटर है, और यहाँ से आगरा, अगर आपका एक कोई प्लान, टूर प्लान बन रहा है, तो आप आगरा, डीग, भरतपुर एंड जयपुर, आप वहाँ से आ सकते हो। यहाँ से डीग से आगरा सिर्फ 90 किलोमीटर है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये भाई, ये वो देखिए भाई, लाखा तोप, ये देखिए क्या तोप है भाई। तो जी, ये है वो लाखा तोप। अच्छा,
कितनी बार यूज हुआ था इसका? एक बार। कब हुआ था पता हो तो आपको कुछ बता सकते? बड़े बूढ़े किए का है, रांगड़ा भी कुछ चढ़ती है। अच्छा आते कुछ करते। अच्छा तो ये पहले ही आया ही महाराज यहाँ पे पहले? जी जी मान लो गई तू आ जाइ जा यहाँ तक ही आए हो। अच्छा ये आया हो जब यहाँ पे बन के तैयार हुई जैसे एक बार चलाई मैं रस्सी हो जाए बोला जाएगा भैया रूम आई चल तो पकड़। अच्छा ऐसे कहें भैया बड़े बूढ़े। वैसे कौन सा राजा था वो वहाँ को? ये तो बोला ये बिजेंद्र महाराज है। कौन सा? बिजेंद्र महाराजा। ठीक है शुक्रिया। दोस्तों देख जैसा कि आप देख सकते हैं ये डीग शहर है पूरा, ये अपने ताऊजी हैं। बता तो मैं भाई कहूँ यार बाय देख जो दल है कितना मोटा। हाँ बहुत मोटा भाई। हाँ अष्टदात की बदाम है। किसकी? अष्टदात कोई रहते नहीं है। अच्छा मिलकर कछू रहे जो लो। इतनी जबरदस्ती है ना, इतनी जबरदस्त चली। अच्छा ये ताऊ जी कुआ बता रहे हैं इसके नीचे, जैसे कि कोई इसको चला के पानी में कूदता था इसको चला के, ताऊ जी बता रहे हैं। वो इतनी खत्म। अच्छा हाँ अच्छा। और देख कितनी हैवी कितनी जबरदस्त है, 400-500 साल हो गए इसको और ऐसी की ऐसी है। देखिए गाइस ये इधर ये हरियाणा साइड हुई पड़ी है भाई। एक तोप ये रखी हुई है ठीक है, और एक तोप यहाँ पे रखी हुई है। तो जितने भी इस महल के कोने हैं हर कोने में एक एक तोप रखी हुई है, एक कोने पे वहाँ पे रखी हुई है ठीक है, एक वहाँ पर रखी हुई है। देखिए आप ये रखी हुई, और इन तोपों का उपयोग सिर्फ लाइफ में एक बार हुआ था। ये सामने जल महल है, तो यहाँ चलते हैं गाइज और दिखाते हैं आपको जल महल। महल की दीवारें देख सकते हैं, कम से कम 25 फुट चौड़ी हैं, और अगर इसमें हम तोप से भी वार करें तो भी कोई असर नहीं करेगा। और सामने से उस टाइम इंजीनियरिंग फैल है इनके आगे, बताओ इतनी बड़ी दीवार यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक। दोस्तों मुझे ये चीन की दीवार से भी मजबूत लग रही है दीवार, देखिए आप कितनी लंबी दीवार है, कितनी चौड़ी है यार, कम से कम 25 फुट चौड़ी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कैसी डिज़ाइन बना रखी इन लोगों ने, इसमें ऐसा डिज़ाइन बनाया कि बाहर वाले को तो हम नहीं दिखेंगे लेकिन अंदर वाले को बाहर वाला दिखेगा, इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन बना रखा है। देखिए कितना ज़बरदस्त है, और तुम या इसको चाहे तुम 2 किलोमीटर दूर तक देख लो इतना ज़बरदस्त दिखेगा। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये देखिए आप, मतलब इस टाइप से बना रखा है कि सामने वाले को नहीं दिखेगा अंदर वाले को दिख जाएगा सब कुछ। जैसे कि यहाँ पर है ये पूरे महल के चारों तरफ है, तो इसको ऐसा डिज़ाइन बना देते हैं कि अगर इन फ्यूचर कोई लड़ाई बड़ाई हो कोई युद्ध हो तो आसानी से। देखिए अब दोस्तों इस डीग के महल को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आप लोगों को दिखाएंगे इस डीग का जल महल, जो कि बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर राजा महाराजाओं का म्यूजियम भी है और वो भी दिखाएंगे आपको। और आप व्यू देखिए आप मेरे पीछे, ये डीग शहर है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर कम से कम 1-1.5 घंटे स्पेंड किया है, तो अब यहाँ से पूरा एक्सप्लोर करने के बाद जल महल चलते हैं। ये सामने बिल्कुल इसके जैसे जहाँ मैं हूँ इसके अपोजिट बिल्कुल सामने जल महल है, तो यहाँ थोड़ी धूप ज़्यादा इस वजह से नहीं दिख पा। चलो मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ और दिखाता हूँ आपको, देखिए अच्छे से नहीं दिख पाएगा आपको।
तो इसको इसके अंदर चलते हैं और दिखाएंगे इसको।